हाय गाइस, आज हम एक नए सफ़र पर निकल रहे हैं और इस सफ़र का अगला स्थान है बनारस। बनारस जो कि एक प्राचीन शहर है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बनारस जिसे आमतौर पर वाराणसी भी कहा जाता है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर में अनेक पुरानी गलियां, घाट, मंदिर और विभिन्न धार्मिक स्थल हैं जो इसको एक अद्भुत व्लॉगिंग अनुभव बनाते हैं। चलिए बनारस के रंग रूप को एक्सप्लोर करते हैं और इस पवित्र नगर की अद्भुत कहानियों को समझते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। बहुत दिनों बाद आ गए हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद घूमने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सब ब्लॉग में दिखेगा। अभी जा रहे हैं रेडी होने, फ्रेश फ्रेश होकर रेडी होंगे। टाइम हुआ है सुबह के 4:15, तो जाते हैं। 5:40 में ट्रेन है, वो पकड़ेंगे। मिलते हैं रेडी होके। चाय पी के हम निकल जाते हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन पहुंचकर हम टिकट भी कटा देते हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन भी शुरू हो जाती है। शाम के लगभग 5 हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यहां आके थोड़ा कुछ खाते हैं, फिर हम लोग ऑटो पकड़कर भैया के रूम के लिए निकल जाते हैं। रूम पर आके हम लोग प्लानिंग बनाते हैं कि कैसे, कब और कहां घूमना है। रात में फ्रेश होके हम लोग निकल जाते हैं 80 घाट घूमने के लिए, जहां आरती होती है। लेकिन हमें आने में लेट हो गई और आरती खत्म हो गई थी। फिर हम ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमते हैं और बनारस को एक्सप्लोर करते हैं। हम जिस घाट पे हैं, इस घाट का नाम है 80 घाट। थोड़ा बहुत और घूम के हम लोग आ जाते हैं चाय पीने। थोड़ा सा यहाँ चाय पानी पी लेते हैं गाइस। चाय मेरे पास। चाय पी के हम लोग इस दुकान आते हैं जहाँ हम लोग दही बड़ा खाते हैं। रात में रूम पे आके सब रेस्ट करते हैं और सुबह के 4:30 हम सब नहा के फ्रेश होके निकल जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए। हम लोग को 80 घाट से मणिकर्णिका घाट तक जाना था, जिसकी दूरी लगभग 2-3 किलोमीटर थी। तो हम लोग महादेव का नाम लेके बढ़ते रहते हैं। हर हर महादेव। चलते चलते हम लोग दशाश्वमेध घाट तक पहुंच जाते हैं, जहां की शाम की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में। उसके बाद हम लोग मंदिर जाने के लिए कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं। कॉरिडोर में फ़ोन यहाँ तक ही अलाउड है, मंदिर परिसर में फ़ोन नहीं ले जाने देता है। दर्शन करने के बाद हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं और यह है काशी विश्वनाथ मंदिर। फ़ोन यहाँ तक ही अलाउड है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉकर मिल जाएंगे जहाँ आप अपना फ़ोन रखवा सकते हैं। फिर हम वहाँ से बाहर आते हैं और हमें खूबसूरत सा सनराइज़ भी देखने को मिलता है।
अभी आप बनारस की खूबसूरती को देखेंगे। सुबह के हम लोग 4 बजे निकल गए थे, चार बजे तो ठीक है, लगभग 5 बजे निकल गए थे और अभी टाइम हो रहा है 7:30। अच्छे से पूजा कर लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में, फिर वहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर में जो तक खाना खोल गया वहाँ भी गए। अभी हम घाट पे बैठे हैं, जाएंगे मणिकर्णिका का घाट। अंदर फोटो लेने नहीं दिया गया, इतना तो दिखाते हैं ऐसे ले लिए बाहर से, अंदर से नहीं ले पाए, बाहर से मंदिर का फोटो ले लिया, वीडियो भी बना लिए, दिखा देंगे। अभी भैया लोग गए थोड़ा सा, आएंगे फिर मणिकर्णिका घाट जाएंगे और नेपाली मंदिर है वहाँ जाएंगे, फिर कल निकलेंगे हम लोग अयोध्या के लिए। बने रहिए। फिर हम लोग आते हैं रत्नेश्वर महादेव मंदिर में। यह मंदिर 9 डिग्री तक झुका हुआ है। फिर हम लोग बनारस की गलियों में घूमते घूमते आ जाते हैं काल भैरव मंदिर। यहाँ दर्शन करके हम लोग जाते हैं बनारस के एक फेमस कचौड़ी की दुकान दराम भंडार। यहाँ की भीड़ से ही आपको पता चल गया होगा कि यहाँ की कितनी हाइप है। हम लोग यहाँ से पहले जलेबी मंगवाते हैं, फिर लिट्टी मंगवाते हैं और लास्ट में कचौड़ी मंगवाते हैं। यहाँ से खा के हम लोग पहुँच जाते हैं मानसिंह ऑब्जर्वेटरी में। यहाँ वाराणसी के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है, वाराणसी का इतिहास क्या है और भी बहुत कुछ। यहाँ एक लाइट शो भी होता है जिसमें दिखाते हैं कि गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ। लाइट्स को देख के हम ऑब्जर्वेटरी से बाहर आ जाते हैं और गर्मी के वजह से अंगूर और थम्सअप ले लेते हैं। रास्ते में भंडारा हो रहा था तो हम लोग वो भी खाते हैं। उसके बाद रूम पे आके रेस्ट करके हम लोग निकल जाते हैं संकट मोचन मंदिर के लिए। संकट मोचन मंदिर में दर्शन करके हम लोग त्रिदेव मंदिर आते हैं, जहाँ के अंदर की वाइब काफ़ी पीसफुल थी।
त्रिदेव मंदिर से निकलकर हम लोग दुर्गा माता के मंदिर के लिए आते हैं। यहाँ से दर्शन करके हम लोग जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहाँ एक और मंदिर है। इस मंदिर का भी नाम काशी विश्वनाथ मंदिर है। इस मंदिर में भी घूम के हम लोग निकल जाते हैं अब घाट के लिए, जहां हम लोग को गंगा आरती के लिए जाना है। हम लोग अभी हैं असी घाट पे और हम लोग को जाना है दशाश्वमेध घाट, इसीलिए हम लोग नाव से जाते हैं। अब देखिए आप लोग बनारस की खूबसूरत शाम। थोड़ी देर बाद हम लोग दशाश्वमेध घाट पहुंच जाते हैं, जहां आरती शुरू होने वाली थी। फिर आरती शुरू होती है। आरती खत्म होने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत और घूमते हैं। घूम के आते हैं हम लोग कॉरिडोर के पास, जहां लाइट शो चल रहा होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं असी घाट पे। यहाँ हम लोग भेलपूरी खाते हैं। रात में हम लोग स्टेशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि हमें अयोध्या जाना है, जो कि आपको अगले पार्ट में दिखेगा। Audio Jungle.